somebody just like you. But then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज प्रसन्न मुरुडकर और आज हम लोग हैं, मतलब मैं और भक्ति, हम लोग हैं MTDC मार्शल्स घाट में. यहाँ पे कैसे पहुँचे, क्या डिफिकल्टीज यहाँ तक पहुँचने के लिए आई है, मैं आपको सब दिखाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से शुरू कर दें. मैं अभी कल्याण से आगे आ चुका हूँ और जो डिस्टेंस है मार्शल्स घाट का वो ठाणा से 110 किलोमीटर है और मुंबई से अराउंड रहेगा और 20 किलोमीटर्स आगे. सो पहुँचने के लिए यहाँ से 2.5 to 3 hours लग जाते हैं. बीच में हम लोग कहीं अगर कहीं पे रुकना वगैरह हुआ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. डिस्टेंस कम है बट टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा घाट का है. एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मार्शल जाते टाइम रोड्स जो है वो बहुत ही सिंगल लेन रोड है, एक तो छोटे वाले ज़्यादा बड़े रोड नहीं है और जो ओवरटेकिंग होता है ना वो खतरनाक होता है. तो अगर आप कभी ये रोड पे आ रहे हैं तो संभल के चलिए. ये देखिए बस ड्राइवर, बस वाले भी जो रहते हैं, ये लाल डब्बा आपको ऐसा लगेगा कि इजीली ओवरटेक कर देंगे लेकिन नहीं. आई एम राइट नाउ एट 80 और वो मेरे आगे मस्त एकदम भगा रहा है. जो ओवरटेक कर रहा है ना बहुत ही खतरनाक वाले. सो अगर बस को ओवरटेक करने के लिए आपको सिर्फ दो ही रीज़न आपके पास रहेंगे, अगर कोई पैसेंजर उतरने वाला है या फिर बस के आगे कोई स्लो गाड़ी आ गई है, नहीं तो बस को ओवरटेक करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रात के टाइम पे आपको यहाँ से ट्रैवल अवॉइड करना है क्योंकि रात के, अब ये जो सीन जो दिन में आप देख रहे हैं वो रात में बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है. तो उसके वजह से रात में जितना हो सके उतना ट्रैवल ये रोड पे तो अवॉइड ही कीजिए. अगर करना है तो बहुत संभल के लो स्पीड में, कोई भी ईगो वगैरह ऐसे मन में रख के राइड नहीं करना है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है रोड. लोग कैसे भी यहाँ पर ओवरटेक करते हैं और गाड़ियाँ मोस्ट ऑफ बाहर ही रहती है अपने लेन से. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी मार्शल्स घाट और ये बीच में पिकअप छोड़ रहा है. सो अभी फर्स्ट पॉइंट लगेगा वहाँ पे मैं रुकता हूँ. सो दिस इज, ये एक फेमस वाटरफॉल है, घेतले वो इतना वाटरफॉल है. हाँ हाँ घेतले. सो पहुँच चुके और भाई कैसे कंट्रोल लूज कर रही है पता नहीं क्यों. टायर पंचर वगैरह तो नहीं हो गया ना? आई थिंक टायर पंचर हो, फाटता टायर वाटा पंचर डाला है. और टर्निंग पे और पंचर है. हाँ हाँ हाँ, हम थोड़ा वर्ती और टायर पंचर. यस टायर पंचर, यहीं पे रुकते हैं. उतर. थम काय मत. त्याला बोला एक ट्यूब पण घेऊन न्यायला, जर समजा ही ट्यूब फाटली असली ना तर दुसरी ट्यूब टाकू शकतो आपण. सो दिस इज द ब्यूटीफुल लोकेशन और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं. कॉल किया रिसोर्ट में और उनको बोला कि पंचर हो गया. सो वो किस लेके आएगा टायर, अभी यहाँ से लेके जाना पड़ेगा और हवा भर के फिर पंचर निकाल के वापस यहाँ पे आना पड़ेगा. सो ऐसा कुछ प्रोसीजर है. आई थिंक उसके लिए 2 घंटा तो यहाँ पे आराम से जाएगा. 2 घंटा? यस, 2 घंटा आराम से जाएगा यहाँ पे अभी. और प्रॉब्लम ये हो गया है कि कैसे ना आजू बाजू में
आजू बाजू में कहीं पे भी छाव नहीं, ये पूरा रोड है बराबर यहीं पे धूप में खड़ी है बाइक। एंड अभी थोड़ा पहले अगर रुक जाती ना तो वहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप है, देखा वो पेड़, ये पेड़ जो है यहाँ के, यहाँ पे बराबर स्टॉप है तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते थे। यहाँ पे फेमस वाटरफॉल है, स्टार्टिंग में ही लगता है। हाँ, व्हाट टू डू, माउंटेंस बहुत कुछ। सो अभी टायर लेके गया है, वो व्हील निकाल के पूरा लेके गया, अभी आई थिंक हाफ एन आवर में वो आ जाएगा नीचे, तब तक वेट करना है। हम लोग ऐसे बैठे क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह पे बाइक ख़राब हुई है कि कहीं पे भी बैठने के लिए बराबर से छाँव नहीं है, धूप है, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ऐसे कुछ डर नहीं लग रहा है, इंजन का जो चालू था उसकी वजह से डर लग रहा था, बट अभी ठीक है। बुरी हालत वो एटलीस्ट इंजन का खराब हो गया था, एटलीस्ट रुक नहीं रहे थे, टायर पंचर हो गया, फ्लैट एकदम पूरा, दो होल्स है, एक स्क्रू अंदर घुसा, एक छोटा सा पी एक पिन घुसा था और एक स्क्रू। सर टायर का पंचर ठीक हो गया है और ये करते करते ऑलमोस्ट 12 बज गए, 11:57 हो गए और हम लोग अभी माशेद कट कंटिन्यू कर रहे हैं, ओनली 15-16 किलोमीटर इज रिमेनिंग। तो ये पहुंच गए हम लोग जो मेन लाइन है वहाँ पे, देखिए सीधा लाइन है पूरा जो एरिया वहाँ पे वाटरफॉल एरिया, आई थिंक यहाँ पे काम चालू है तो उसके वजह से कहीं पे भी रुकने के लिए ना बोला। तो ये पूरा जो लाइन है वाटरफॉल्स रहते हैं पूरा वहाँ तक, ये पूरा लाइन, और वो है हमारा रिसोर्ट MTDC। वो देखिए सामने काम चालू है, वो सामने काम चालू है, उसके वजह से यहाँ पे पूरा ट्रैफिक होल्ड किया है। देखिए यहाँ पे काम चालू है, नेट्स वगैरह लगा रहे हो, नेट्स लावत आहेत म्हणजे पावसाळ्यामध्ये दगड वगैरह येतात ना खाली, ते नाही यायला पाहिजे। ओहो, विंड ब्लास्ट, हवेचा जो प्रेशर येतो ना तो विंड ब्लास्ट बोलतात त्याला। इतना जोर से हवा आ रही है ना कि, और ऊपर से इंजन का जो इशू है उसके वजह से बाइक बार बार ऐसे झटके खा रही है, तो मैं थोड़ा सा खींचता उसको और थोड़ा सा अभी बाकी रह गया, पहुंच गया। एक साइड में है वैली और एक साइड में रिसॉर्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ ऑप्शंस है रहने के लिए, मैं एक साइड में लेफ्ट साइड में मैं आपको सारे ऑप्शंस और प्राइजेस दिखा दूंगा, ओके। और ये यहाँ पे ये साइड में है वैली व्यू कॉटेजेस, उसमें से ये 111111 हमारा है, टोटल 12 कॉटेजेस है यहाँ पे। हवा बहुत ज़्यादा, बहुत हवा यहाँ पे बह रही है, ओके। सो लेट मी शो यू द रूम, ये मेरा है, एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं एक छोटी सी लाइन यहाँ से जा रही है एंड ये है वॉशरूम। वॉशरूम बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, देख। एंड देन हियर इज द बेड, ये पूरा व्यू है, कहाँ पे की भक्ति यहाँ पे, ओके। सो दिस इज द व्यू, कंप्लीट रूम जो है बहुत ही सही है,
एसी है, ये एसी वाले कॉटेज है, सामने टीवी है, फ्रिज है छोटा, हेलमेट रखने के लिए जगह यहाँ पे, वहाँ पे बैठने के लिए चार चेयर्स, चार लोग बैठ सकते हैं, एक सोफ़ा एंड हियर इज़ द बेड, अच्छा खासा। और एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज वैल्यू व्यू, जो कॉटेज है उसका है ये, कहाँ से ओपन होता है, स्लाइड होता है, ये ओपन होने के लिए, ओके, हवा हवा, एंड दिस इज द व्यू, बाहर बैठने के लिए बहुत जगह है, अच्छी खासी जगह है, देखिए ये रूम, ये बाहर बैठने के लिए बहुत ही सही जगह है, एंड द बेस्ट थिंग इज दिस व्यू, क्या खूबसूरत व्यू है, टोटल 12 है, टोटल 12 का ये ऐसे वैली व्यूज है, बहुत बहुत ही खूबसूरत ये रूम है। शाम के टाइम पे हम लोग जाएंगे आगे, अभी लंच टाइम हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ ये ताम झाम करते हैं, मतलब टायर पंचर वगैरह ये सब करते हैं यहाँ तक आने के लिए, अभी कुछ 12:30 बज गए, सो अभी जाएंगे 1 बजे खाना खाने के लिए, सामान भी अभी बाइक में ही है, वो भी ले ही लाया हम लोगों ने, जाएंगे अभी, और पूरा टाइम अभी हम लोग बस ये व्यू यहाँ से देखने वाले हैं, सो शाम को हम लोग जाएंगे मस्त यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा वॉक करेंगे, वो वाला पॉइंट है वहाँ पे नीचे, वहाँ पे जाएंगे, हवा बहुत ज़्यादा है सो ड्रोन पता नहीं उड़ा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ट्राई करूँगा मैं मॉर्निंग में 7:00 AM, उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे जो चेकिंग टाइमिंग है वो है 10:30 AM का, और चेकआउट टाइम 9:00 AM का, सो जल्दी यहाँ से निकलना पड़ने वाला है, बट धीरे धीरे देखते देखते जाएंगे सब कुछ, सो अभी ज़रा फ्रेश हो। हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी रिसेप्शन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, सो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन एरिया में, क्योंकि वहीं पे हम लोगों को मिलेगा नेटवर्क वाईफाई। सो काम हो गया ऑलमोस्ट 1-10 मिनट, नहीं नहीं आधा 1 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो खाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, रूम में भी आती है सर्विस आती है, बट हम लोग यहाँ पे आए, और हवा हवा इतनी तेज़ हवा है ना यहाँ पे, तो जो भी खाना है जो नॉनवेज एंड यस लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे, और जो भी चाइनीज़ वाइनीज वगैरह जो मेनू कार्ड में जितने भी नाम हैं वो सब 1 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी नहीं मिल रहा है, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे खाने के लिए, सो हम लोगों ने चिकन सुखा ही ऑर्डर कर लिया। जो रेस्टोरेंट है मैं उसका एक व्यू दिखा देता हूँ, इट इज़ बेसिक, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, सो खाना खा के हमारा हो गया है, और हम लोग अभी रूम में आ गए, कुछ 3 बजे के तीन के आसपास टाइम हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ से नजर लग रही है, शायद मैं भी ब्लैक आ रहा हूँ क्योंकि सामने से धूप आ रही है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे उसके बाद 1 घंटा नींद निकालते हैं, फिर 5:30 बजे के आसपास जब भी थोड़ा सा सन डाउन हो जाएगा घूमने के लिए निकलते हैं फिर। सो गुड इवनिंग गाइस, 6:30 पौने 7 बज गए,
अभी भी बहुत ज़्यादा तेज सनराइज है सन वो साइड में, तो अभी हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए। और दो बार सपना ले रहा, मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद लगी कि मुझे बहुत डिले हो गया, और जब भी मैं उठा तभी भी 6:30 बजे थे लेकिन लाइट थी। सो अभी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे शांत है क्योंकि सन बराबर पीछे है मेरे, अभी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए कुछ एकदम मस्त शांत है। कुछ रूम्स हैं, ये कुछ रूम्स के बालकनीज है यहाँ जिनका व्यू ये साइड में आता है, और ये साइड में हमारी जो वैली व्यू जो कॉटेजेस है वो यहाँ पे हैं, और उसके साथ यहाँ पे डॉर्मेंट्री भी है और बहुत सारे अलग अलग जो रूम्स हैं, कपल रूम्स, उसके बाद 3 लोगों के लिए रूम्स, 4 लोगों के लिए रूम्स, ऐसे बहुत सारे रूम्स यहाँ पे हैं। बस आपको एक बार चेक करना होगा MTDC महाराष्ट्र और मालशेज घाट का जो लोकेशन है वहाँ पे वो वाला ऑप्शन में जाना होगा, तो आपको सारे रूम्स के रेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें पता चलेगी। मैं अभी यहीं पे हूँ आजू बाजू में, ज़रा देख रहा हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, और बादल आ गए एक साइड में, ये देखिए अभी तक सूरज प्रॉपरली नीचे आया नहीं है, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि तब तक चाय वगैरह पी के हम लोग वो साइड में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये साइड का भी एक व्यू है, ऊपर से बादल आ गया और उस साइड में बैरिकेड्स वगैरह लगे, सो वो साइड में हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी टाइम में। और सो बराबर गार्डन के बाजू में ये जो पेड़ है ना, रूम नंबर 108, उसके बाजू से एक छोटा सा रोड जाता है जो डायरेक्टली आपको वैली व्यू के यहाँ पे लेके जाएगा। एक बाहर से भी जाता है जो कैसे बाइक से वगैरह आप जा सकते हैं ऑफ रोड वगैरह करके, छोटा सा एक नॉर्मल ख़राब रोड है, तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं, नहीं तो ये एक प्रॉपर्टी के लिए रोड दिया, एक ओपन दिया हुआ है। और देखिए सूरज कितना सही दिख रहा है, सो मैं फटाफट वहाँ पे जाता हूँ और टाइम लैप्स सेट कर देता हूँ। आई थिंक टाइम लैप्स की भी ज़रूरत नहीं, वो अभी नीचे चला जाएगा, ये देखिए सामने। हो गया सनसेट, यहाँ पे एक माउंटेन है जो दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ फॉग, तो अभी इतना चला गया, सो मॉर्निंग में देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है। अभी सनसेट हो चुका है, जैसे हमें लेट हो गया तो सनसेट हो चुका है, तो मेरे पीछे जो व्यू पे कुछ ऐसा है, तो हम लोग यहीं पे बैठने वाले हैं आधा एक घंटा, तो यहीं पे बैठेंगे मस्त एकदम। हवा बहुत तेज़ है, बीच में इतनी ज़ोर से आ जाती है ना कि सब कुछ उड़ा जाती है, पेड़ पूरे इतने आवाज़ करते, जो रूम्स है हमारे उनकी जो विंडोज़ है ऐसे थड़ थड़ आवाज़ करती है ना कि लिटरली सोते टाइम भी ऐसे बहुत ज़्यादा विंडी नॉइज़ आती रहती है। बट बहुत खूबसूरत है ये, जैसे ही सनडाउन हो गया इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना शांत लग रहा है, कुछ भी अभी आँखों को ऐसा तकलीफ वगैरह कुछ नहीं है, और बादल वादल वगैरह भी थोड़ा कम हो गए, ड्रोन फ्लाई नहीं कर सक रहे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है, तो सुबह देखेंगे क्या होता है, अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी व्यू बहुत ही खूबसूरत है तो फ्लाई करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए सामने वाला जो रोड दिख रहा है आपको, वो वाला दैट इज़ द मेन रोड, यहाँ पे बारिश के टाइम पे इतना वाटरफॉल्स रहता है, वहाँ पे भी एक सामने पॉइंट है, वहाँ पे भी हम लोग सुबह जाएंगे, और वो टनल है वहाँ पे, अगर मॉर्निंग में हवा नहीं रहेगी तो मैं ड्रोन वहाँ तक लेके जाऊँगा और फिर वहाँ से दिखाऊँगा आपको कि क्या है, तो वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं होगी इतनी। बट मोस्ट ऑफ जो लोग मार्शेज घाट आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर रुकते हैं, और दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू, जो वैली व्यू है वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग आ चुके हैं अभी ये जो साइड का एरिया है वैली वाला, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी आज का वेदर है। सूरज भी बराबर से दिख नहीं रहा, मतलब सुबह से तो दिख ही नहीं रहा। मैं 6 बजे से उठा हूँ, अभी कुछ 7:30-8 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, सब लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग जॉगिंग के लिए आ रहे हैं। सो सही लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा है, विंड भी थोड़ी सी अच्छी खासी है, ज़्यादा विंडी वेदर नहीं है, लेकिन बीच बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे हवा का जो भपका आता है, जो झोंका आता है ना, बहुत ज़्यादा। ड्रोन भी मैं फ्लाई कर रहा था, बीच बीच में वो हाई विंड वगैरह ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। सो बहुत सही लग रहा है। तो अभी जाएंगे थोड़े टाइम में, थोड़ा यहाँ पे बैठ के रूम में जाएंगे, और 9 बजे का चेकआउट टाइमिंग है जो बहुत ही जल्दी है। बट ब्रेकफास्ट भी 8 बजे से 10 बजे के आसपास है, तो बैग वगैरह पैक करके बाइक में लोड करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। सो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं यहाँ पे ये व्यू जो मेरे पीछे है, आप सबको दिख रहा होगा, एंड देन वी विल गो। हम लोग अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं 9:47, 10:45। सुबह 6 बजे उठने के बाद है ना, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हम लोगों ने मॉर्निंग यहाँ पे स्पेंड कर ली, क्योंकि कैसे हम बाकी के रिसॉर्ट में जो व्यू इतना कुछ रहता नहीं है आजू बाजू में, तो हम लोग इतना जल्दी उठते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो क्लिफ हैंगर है, जो व्यू है, सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जाते हैं, तो कैसे 6 बजे उठ जाते हैं यहाँ पे लोग। सो अभी ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे। सो निकल चुके हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में जो क्लाउडी वेदर था वो भी अभी थोड़ा क्लीन हो गया है, थोड़ा सा ऊपर है एकदम, बट मोस्ट ऑफ द जगह क्लीन ही है। और अभी हाँ हम लोग कहीं पे भी रुकने वाले नहीं है, डायरेक्टली ठाणा जाएंगे। सो एक ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे लोग बहुत रुकते हैं, एंड दिस इज़ द फेमस टनल, यहाँ से आते हैं। देखिए ये वाला व्यू पॉइंट, लेकिन मैं ड्रोन से पहले ही दिखा चुका हूँ, और ये है टनल। बारिश के टाइम पे बहुत मस्त रहता है एकदम यहाँ पे। ये सामने वाला जो जितने भी माउंटेन्स है सामने वाले, सब वाटरफॉल्स रहते हैं पूरा एकदम, ये पूरा लाइन वाटरफॉल्स वाली रहती है। और यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ से ऊपर से वाटरफॉल गिरता है, वहाँ पे कोई तो है, ऊपर से वाटरफॉल गिरता है जो रस्ते के बराबर बीचों बीच गिरता है। ओके गाइस, सो हम लोग अभी मुरबाड़ से हम लोग अभी एक 10 से 12 किलोमीटर दूर है, और ठाणा से अराउंड 60 किलोमीटर के आसपास। ये जो रोड है बहुत अच्छा है, बट जो गाड़ियाँ चल रही है ना, इतने गंदी तरीके से लोग ओवरटेक कर रहे हैं ना। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक गाड़ी के अगर आगे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ओवरटेक मत कीजिए, किसी भी कॉर्नर पे ओवरटेक मत करना। जब भी आपको रोड सामने दिखे कि हाँ अभी आगे जाने के लिए रोड है, तब भी ओवरटेक कीजिए, नहीं तो ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ओवरटेक करने के लिए आएंगे, बहुत फास्ट गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, सब लोगों को जल्दी है कोई, तो उसके वजह से आराम से जाइए। टाइम हो रहा है मेरा अभी 10:52, बहुत ही आराम से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अपना इंजन का साइन चालू है, और टायर में जो ट्यूब लगी है वो भी आई थिंक छोटी ट्यूब लगी है, उसकी वजह से कॉर्नरिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। और जो इंजन है वो 3000 RPM से अगर नीचे रहता है, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में, तो थोड़ी सी नॉकिंग होती है, इंजन छोड़ देता है ऐसे, तो उसकी वजह से 3000 के ऊपर ही मुझे RPM रखना पड़ रहा है। ये भी मज़ा कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। तो अभी निकलते हैं, आई थिंक हम लोग 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे ठाणे। सो हम लोग पहुंच गए घर पे, अभी 12:30 बज गए, और जैसे ही यहाँ पे आए, एक बैड न्यूज़ पता चला कि मेरे लैपटॉप का चार्जर वहीं पे रह गया। सो अभी मुझे वापस पता नहीं, देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक या फिर अगर वो कुरियर कर सकते हैं। कुरियर तो मोस्ट ऑफ वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर है, तो वो नहीं करेंगे, तो मुझे ही एक वापस राइड करना पड़ेगा, तो देखते फैमिली के साथ करूँगा मे बी। सो विद दैट सेड गाइस, आई होप यू हैव लव दिस माल्चेज घाट वाला वीडियो, बहुत ही खूबसूरत था। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर स्टे किया है, और बहुत सालों से मैं वैसे सोच रहा था कि वहाँ पर रहने के लिए, सो फाइनली वो चीज़ हो गई। और जो
जो व्यूज़ वगैरह है वो सब आपको पसंद आए रहेंगे. सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो. बाय.